जी थोड़ा फीलिंग आधा रख ली तैयार और आपको अंदर किसने आने दिया? क्या हुआ मैम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये कोई ढाबा है क्या खाना खाने के लिए? और पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैम ये एक रेस्टोरेंट है, मुझे भूख लगी थी तो मैं आ गई खाने, इसमें दिक्कत ही क्या है? तुम जैसे लोगों के लिए ना बाहर 50 ढाबे खुले, वहाँ चले जाते, यहाँ क्यों आ गए? यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड लोग अलाउड है। आपको मेरे कपड़े से क्या दिक्कत है? मैं यहाँ खाने आई हूँ, खाऊंगी, बिल पे करके चली जाऊंगी, दिक्कत क्या है इसमें? ओह बिल पे करके जाओगी, तुम्हारी हालत देख के तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास पैसे भी होंगे। और सच सच बताओ, तुमने ऑर्डर करने से पहले मेन्यू चेक किया था ना? क्योंकि तुमको देख के तो नहीं लगता तुम्हारे पास पैसे है। हाँ मैम मैंने चेक किया था। और आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने रेस्टोरेंट में कस्टमर की ऐसी बेइज्जती करते हो क्या? तुम्हारी ज्यादा जुबान नहीं चल रही है? रुको तुम्हें एक मिनट में बताती हूँ। रिया दोस्तों जी मैम रिया तुमने इसका ऑर्डर लिया था? यस मैम। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें नहीं मालूम हमारे यहाँ ऐसे लोग अलाउड नहीं है? ऑर्डर देख के लिया करो। पर मैम हमारे लिए तो सारे कस्टमर एक होते हैं ना, तो क्या हो गया मैंने इनका ऑर्डर लिया तो? ओ अच्छा, इसका मतलब तुम अब मुझे सिखाओगी। पहले तो तुम इसको उठाओ और भगाओ यहाँ से। देखिए मैम मैं बहुत देर से देख रही हूँ, अगर आप अपने कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव करेंगे ना तो एक न एक दिन ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और हाँ बेशक आपके कपड़े स्टैंडर्ड होंगे पर आपकी सोच बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि सूट और चप्पल पहन के कोई अंदर नहीं आ सकता। देखा तुमने कितना ज्यादा बोल रही है, अब तुम खुद से जाओगी या धक्का मार के निकलवाए? देखिए मैम आप बहुत ज्यादा ही बोल रही हो, खैर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी क्योंकि आप बदतमीज हो। आप एक काम करो अपने ओनर को बुलाओ, मैं उन्हीं से बात कर लूंगी। अच्छा अब तुम्हारे लिए मैं ओनर को बुलाऊं? वो आएंगे और आपसे पूछेंगे मैडम जी वेलकम है आपका? ठीक है बुला लेती हूँ। रिया जाओ ओनर को बुला के लाओ, अब वही सबक सिखाएंगी। ओके मैम। भाषा बोलो। अरे मैं माफ ना तो करेगा ते तो वद के करूंगी। आपने मुझे बताया भी नहीं और आप बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए एसी में बैठिए। अरे मैम आप इन्हें मैम क्यों बोल रहे हो? इसे तो मैं अभी धक्के मार के बाहर फेंकने वाली थी और आप इसे अंदर लेके जा रहे हो। माइंड योर लैंग्वेज विपाशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम जानती भी होंगे ये कौन है? ये यहाँ की ओनर है। क्या ओनर? पर ओनर तो आप हो ना? जी नहीं, मैं बस इस आउटलेट की ओनर हूँ और मैम पूरी फ्रेंचाइजी की ओनर है। और तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रही हो? मुझे बहुत दिनों से कंप्लेन आ रही थी कि यहाँ कस्टमर के साथ अच्छे बिहेव नहीं करते, इसीलिए आज मैं खुद आ गई चेक करने के लिए और मुझे अपनी आंखों के सामने सारा सच दिखाई दिया। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कस्टमर को इज्जत कैसे दिया जाता है, और हमारे यहाँ ना सारे कस्टमर इक्वल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तुम्हारे इस बिहेवियर से ना एक न एक दिन मेरा ये आउटलेट बैंड हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, तो इससे बेटर यही होगा कि तुम निकलो मेरे रेस्टोरेंट से। और तुम्हारा नाम क्या है? मैम रिया। नेहा आज के आज
इनकी पोस्ट इन्हें दे दो और इसे निकाल फेंको यहाँ से। जी मैम।